नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में और देखेंगे कि मंडे को जो ट्रेडिंग सेशन ओपन होगा उस टाइम हमें निफ्टी में कैसी पोजीशन बनानी चाहिए, अगर यहाँ पे किसी किस किस लेवल पे यहाँ पे ओपनिंग हो सकती है, उस लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन डाटा पे और देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि समझने की कोशिश करेंगे हम निफ्टी के डाटा को और देखेंगे ये जो सीरीज 7 मार्च की जिसकी एक्सपायरी होगी उसका डाटा कैसा बन रहा है। तो सबसे पहले क्लोजिंग की बात करें तो 10,863 की क्लोजिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 10,863 की क्लोजिंग पे हम देखेंगे यहाँ पे 10,900 और 10,800 पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 10,900 की। तो 10,900 की जो पुट है आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब 4,48,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया, जिसमें 3 लाख का तो आज ही के दिन है, मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट 4,48,000 का है और 3 लाख आज ही के दिन में ऐड हुआ है। वहीं अगर 10,900 की कॉल की बात करें तो 9,15,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अभी तक रहा है, इसीलिए यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर 10,900 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो आपको एक शॉर्ट कॉल लेके काम करना चाहिए। अगला लेवल देख लेते हैं, वो है 10,800 का। वहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 10,800 पे आप देखिए करीब करीब 14 लाख का, 14.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जिसमें 6,36,000 का तो आज ही के दिन में ऐड हुआ है। अगर कॉल की बात करें तो 10,800 की कॉल की बात करें तो सिर्फ कितना है, ऑलमोस्ट 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 10,800 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा एज पर द डाटा। अगर 10,800 के नीचे अगर आप जाते हो तो आप एक कॉल लेके काम कर सकते हो या फ्यूचर बाय करके काम कर सकते हो, जिसमें कि आपको 50 पॉइंट आप इजीली कमा सकते हो। सबसे बड़े रेजिस्टेंस की बात करें तो 11,000 का ही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 11,72,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल में, और पुट में कितना है, सिर्फ 2 लाख के आसपास का। तो इसका मतलब क्या है कि 11,000 आपके लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस सीरीज़ में ये पार होने के चांसेस कम है। दूसरी चीज़ क्या है कि 10,800 आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, अगर ये टूटता है तो अगला सपोर्ट 10,700 का ही होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इस डाटा में क्लियरली दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि वेट करिए। अगर निफ्टी 10,750, 10,740, 10,760 के बीच में आता है तो आप बाय करके काम करिए, और ऊपर अगर 10,920, 930 के आसपास जाता है तो आप एक शॉर्ट करके काम करिए। ये क्लियरली डाटा ऐसा बन रहा है और ऐसा ही दिख रहा है। एक बार डाओ फ्यूचर देख लेते हैं यहाँ पे कि डाओ फ्यूचर कैसा काम कर रहा है, ताकि हमें क्लियरिटी और मिल जाए कि क्या गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो देखिए डाओ 180 पॉइंट ऊपर खुलने के आशंका दे रहा है, यहाँ पे संकेत दे रहा है 180 पॉइंट ऊपर डाओ जोन्स की ओपनिंग होगी। अगर वहाँ पे ओपनिंग ये सस्टेन हो जाती है तो आपको मंडे को एक हमारे मार्केट में भी गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और 10,900 के ऊपर मार्केट खुल सकता है। तो वहाँ पर आप वेट करिए, जैसे आपको वीकनेस आती हुई दिखाई देती है तो आप एक शॉर्ट कॉल लेके काम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।